Contact on this occasion. Don't bother running. When he strikes it, it often finds the boundary. 14 for 1-2. The films today have got actors from every region working in, you know, any region wherever the role is required for a particular kind of an actor. So this, I feel, could be one of the factors too. मजाक की बातचीत, leg spin डालते हैं और अनिल कुंबले की बॉलिंग एक्शन की याद दिलाते हैं. चलिए रन्स तो मिलेंगे यहाँ पे पहली गेंद पे. करारा चौका, बेहतरीन ड्राइव जीशु के बल्ले से बाउंड्री के लिए. एक और रिकवरी यहाँ पर जामी और जीशु के साथ मिलकर. कितनी बार इस पूरे टूर्नामेंट में हमने ये इन दोनों को करते हुए देखा है. फुल टॉस बनाया, फ्रंट फुट पर आकर इस बार जीशु ने और गैप ढूंढते हुए चार रन जोड़ते हुए अपने रन रेट को कर दिया है बेहतर. और ये खुशी का मौका बंगाल टाइगर्स के कैंप के लिए. और चांस है उनके पास 100 का आंकड़ा छूने का. करण अब उठाकर खेला है जामी ने और चार रन मिल जाएंगे उन्हें. फिर से एक बार 50 के नजदीक पहुंचते हुए जामी बैनर्जी और बंगाल टाइगर्स को एक विशाल स्कोर की ओर फिर से ले जाते हुए अपने हाथों से. पांचों उंगलियां फिलहाल बंगाल टाइगर्स की घी में. टॉप के दो बैट्समैन अगर बल्लेबाजी करें इस क्रूशियल स्टेज पर तो उससे बेहतर कुछ और नहीं चाहेंगे आप. हैंग टाइम होता है ना बॉल का, फील्डर के लिए मुश्किल होती है. लेकिन यहाँ पे भाग्यशाली चार रन और जैमी के नाम. कहते हैं कि किस्मत भी बहादुर का साथ देती है और यहाँ पे बहादुरी दिखाते हुए जैमी इस सीजन 400 से ज्यादा रन इस एक बल्लेबाज के नाम है बंगाल टाइगर्स के लिए. इकलौते बल्लेबाज 400 का आंकड़ा पार करने वाले, मोस्ट रन के पहाड़ के शिखर पर मौजूद जामी बैनर्जी. और अब डार्लिंग कृष्णा को एक कड़ी कॉम्पिटिशन मिलेगी. इस बार नसीब ने थोड़ा सा साथ जरूर दिया लेकिन खुले बाहों से इन सारे रन को स्वीकारेंगे जामी और बंगाल टाइगर्स. चांस है, एक हिट दूर थे अपने अर्धशतक से और यहाँ पे इस चौके के साथ एक और अर्धशतक इस सीजन अपने नाम करेंगे जैमी. इनका चौथा अर्धशतक है और तीन नॉकआउट मैचेस में अर्धशतक इन्होंने हर मैच में लगाया है. ये बिग मैच प्लेयर, ये हीरो बंगाल टाइगर्स के इस सीजन. पांच चौके, दो छक्के, 182 का स्ट्राइक रेट. सिर्फ एक ही तरीका है जिससे जामी बैनर्जी बैटिंग करना जानते हैं. लगातार दो एजेस की वजह से दो चौके मिले लेकिन किसी भी इनिंग के आखिरी क्षणों में इस तरह की घटनाएं होती रहती है और वही जैमी बनर्जी के 50 रन को पूरा करते हुए. आखिरी ओवर, कैच का मौका, कैच छूटा और चार रन मिल जाएंगे राहुल को इस बार. मुझे लगता है कैच का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि 100 का आंकड़ा इस बाउंड्री के साथ पार हो गया है. पर अब ये देखिए ना, टॉप एज जब लगा गेंद ट्रैवल कर रही थी और शॉर्ट थर्ड का खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर था. बेहतर गेंद लेकिन वही नतीजा, सटीक शॉट राहुल की ओर से. क्या हुआ कि जामी स्ट्राइक पर नहीं है? राहुल का तो नाम सुना ही होगा आपने. देखिए आप सैंड बंकर में फंसते हैं ना तो फिर आप इस तरह का चिप शॉट निकालते हैं. ये तो कल भी देखा था इनसे, फिर नजर डालिएगा. ये बिल्कुल ज्यादा ना अब बैट फ्लो पे नजर रखिएगा. ये बॉटम हैंड का कमाल है यहाँ पे, जिस तरह से गेंद को इन्होंने कार्व किया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से. जी हाँ, खुशी है इस गेम में. 8 स्कोरबोर्ड पे, 3 गेंदें बची हैं पारी की. फुल टॉस, लेग स्टंप पे रन और मिलेंगे 4 क्योंकि फाइन लेग ऊपर, स्क्वेयर लेग ऊपर ये महंगा ओवर बनता हुआ 14 रन आ गए. पर तारीफ राहुल की जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं. और हर बार जब खुशी का मौका होगा तो ये नजारे हम देखेंगे. फुल टॉस और सिर्फ दिशा दिखाई इस बार राहुल को. ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उन्हें, पूरी तरह से मालूम था कि क्या है फील्ड सेटिंग और गैप को पियर्स करते हुए 4 रन्स, 14 रन आ चुके हैं 4 बॉल से. 2 बॉल्स अभी भी बाकी.